तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आपूर्ति वोल्टेज से कम तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है अर्थात हम कह सकते हैं कि वाइंडिंग जो यहाँ पर देख सकते हैं जो वाइंडिंग यहाँ पर आपका दिया गया है बी बी वन बी टू और बी थ्री तो हम कह सकते हैं कि वाइंडिंग बी वन तथा तो बी टू में वोल्टेज ड्रॉप के बाद बी टू में वोल्टेज प्राप्त होगा अतः सप्लाई वोल्टेज के मान से कम मान प्राप्त होगा अतः भी टू से मान सप्लाई से कम होगा अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तिरासी पे दिया है क्वेश्चन के थ्री कलाब मोटरों पर एक कलायन अर्थात सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के परवर्तक अर्थात स्टार्टिंग के समय घटित होता है ऑप्शन देख लीजिए परिवर्तक से चुकेगी या स्थापित या बी ऑप्शन दिया गया धीमी चाल पर चलेगी सी ऑप्शन है सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी और डी ऑप्शन है पूर्ण भार के सॉरी पूर्ण चाल के समय चलेगा सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाता है अर्थात हम कह सकते हैं कि थ्री कला मोटरों पर एक क्लायन का प्रभाव यह होगा यदि वह मोटर के परिवर्तन अर्थात स्टार्टिंग के समय घटित होता है तो सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी अर्थात यदि थ्री फेज आपूर्ति में किसी कारणवश एक फेज अनुपस्थिति हो तो उस स्थिति में क्लायन कहलाती है यह होता है क्लायन का डिफिनेशन तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौरासी पे दिया है क्वेश्चन की थ्री कला पाँच हटर एच दिया गया थ्री कला पाँच एच पी चार सौ पंद्रह बोल्ट पचास हटर पिंजरी में प्रेरण मोटर से लगी जाने वाली धारा का मापन करने के लिए आपको अमीटर का संयोजन करना है जो डी ओ एल अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रत्यावर्तक से संयोजित है तो मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त अमीटर परिसर रेंज है यहां पर ऑप्शन आपके सामने है देख सकते हैं यहां पर दिया गया जीरो से तीस एम्पियर और जीरो से पंद्रह एम्पियर और जीरो से दस एम्पियर और जीरो से पांच एम्पियर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों देखिए थ्री कला पांच हस पावर चार सौ पंद्रह बोट पचास मोटर से ली जाने वाली धारा का माप करने के लिए आपको अमीटर के संयोजन करना है जो डी ओ एल अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से संयोजित है और मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त जो दिया गया है अमीटर इसमें परिसर रेंज जीरो से तीस एम्पियर है अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आपसा नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पचासी पे दिया है क्वेश्चन की तारा त्रिकोण अर्थात स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुठ जो चित्र में दर्शाया गया है डेल्टा स्थापित को रुकता नहीं इसका कारण है यहाँ पर मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ ये देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया नीचे देख सकते हैं दिया गया है कि त्रिकोण स्थिति में प्रगा कुंडली परिपथ विकृत है और बी ऑप्शन दिया गया है कि प्रगा कुंडली में त्रिकोण में विभू अंतर नहीं मिलता है और सी ऑप्शन दिया गया है कि त्रिकोण स्थिति में मोटर टर्मिनल संयोजन नहीं सही नहीं है और डी ऑप्शन दिया गया है कि ऐसा संयोजन की गह कुंडली द्वारा परिपथ में काम करने परंतु त्रिकोण में नहीं सभी लोग इसका आंसर दें तो यहाँ पर दोस्तों जो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी टू भी वन और यहाँ पर दिया गया ये क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका है ये विभवान्तर नहीं मिलता है अर्थात प्रगह कुंडली में त्रिकोण में विभवान्तर नहीं मिलता है जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है करेक्ट आंसर क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छियासी पे दिया है क्वेश्चन की परिवर्तक संपर्क अर्थात स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या तो किसी स्थिति के लिए या उनके कार्य के लिए सूचित किए जाते हैं ऐसे स्थिति में सामान्य संतृत अर्थात ऐन संपर्क का तात्पर्य है कि वे ऑप्शन आपके सामने रिले की सभी अवस्थाओं में संतृत स्थिति में है या वितरित है, है, है जब रिले कुंडली उत्तेजित नहीं है और सी ऑप्शन दिया गया वितरित है जब रिले कुंडली उत्तेजित है और डी ऑप्शन है सफित है जब रिले कुंडली उत्तेजित है कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका प्रत्यावर्तक दिया गया है अर्थात हम कह सकते हैं कि स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए या उनके कार्य के लिए सूचित किए जाते हैं ऐसी स्थिति में सामान्य सम्मिलित अर्थात एन सी संपर्क के तात्पर्य है कि व्यतीत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्लियर है दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि व्यतीत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सत्तासी पे दिया है क्वेश्चन कि प्रत्यागामी पंप जिनको बाहर के अध्ययन चालू करने की आवश्यकता होती है में खाली आसान मोटर प्रयुक्त होती है कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है तुल्यकालिक या पिंजरा मेटर सॉरी पिंजरी प्रेरण या हिस्टेरेसिस मोटर या दिग पिंजरी प्रेरण कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यागामी पंप जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रत्यागामी पंप जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है उसके लिए हम डबल केज प्र मोटर का प्रयोग करते हैं जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्वि पिजड़ी मीटर अर्थात डबल केज प्र मोटर क्लियर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठासी पे दिया है क्वेश्चन की थ्री फेज प्रेम मोटर पर अवरुद्ध गुणक जांच ज्ञात करने की में सहायता करती है खुला पथ प्रशक्ति गुणांक या सहायता सामान्य बोल्टता के साथ लघु धारा या स्थिर हानिया या स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो ध्यान दीजिए दोस्तों देखिए थ्री फेज प्रेणी मोटर पर अवरुद्ध घुणक जांच अर्थात ब्लैक रोटर टेस्ट यहाँ पर हम स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध द्वारा हम ज्ञात करने में सहायता करते हैं अर्थात थ्री फेज इंडक्शन मोटर केवल ए सी पर चलते सभी को मालूम है और इसमें थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है जिसकी गति एन एस बराबर एक्सौ बीस एफ बाई पी होती है जैसे कि मैंने आपको सत्र में बता ही दिया है तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर निवासी पे दिया है क्वेश्चन की प्रेणी मोटर और तरण फार्मों द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनका शक्ति गुणांक खाली स्थान होता है इकाई शून्य या अग्रगामी या अग्रगामी एवं पश्चगामी दोनों सभी लोग इसका आंसर दें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रेणी मोटरों और ट्रांसफार्मर द्वारा चुमकन द्वारा खींचने के कारण उनका जो शक्ति गुणांक होता है शून्य होता है और शक्ति गुणांक का मान वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है जो कि यहाँ पर इसका सूत्र होता है कास्फाइवरवा भी आई कास्फाइव आन भी आई पी एफ पावर फैक्टर में होता है तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर की शून्य होता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर नब्बे पे दिया है क्वेश्चन की एक मोटर की दस्ता जो चार किलो वाट शक्ति की है और चार शक्ति देती है कितनी होगी चौहत्तर दशमलव छह प्रतिशत या तिरासी दशमलव तीन प्रतिशत या उनहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत या छिहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो ध्यान दीजिएगा दे दोस्तों देखिए एक मोटर की दस्ता जो चार किलो वाट क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं देखिए एक मोटर की दस्ता जो चार किलो वाट शक्ति की है और चार शक्ति देती है तो हम सिंपली कर सकते हैं कि सात सौ छियालीस सॉरी सात सौ छियालीस होता है सात सौ छियालीस गुणे चार बटे चार हजार क्लियर है अब यहाँ पर हम गुड़े सौ कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इसको फटाफट कीजिए यहाँ पर गुणे सौ है तो ये आपका आ जाएगा इतना आ जाएगा दोस्तों और बटे चार हज़ार ऊपर केवल गुणा की है सात सौ छियालीस गुड़े चार गुड़े सौ की है तो इतना आया है और यहाँ पर जब इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पर आपका दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपका बच जाएगा इतना तो हमारा कितना आ जाएगा तो पा जाएगा, आ ये पर आ जाएगा दोस्तों दशमलव में आएगा ये तो ये हमारा आ जाएगा चौहत्तर दशमलव छः प्रतिशत जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर इक्यानवे पे दिया है क्वेश्चन कि प्लस चार प्रतिशत स्लिप पर दौड़ने वाली किसी थ्री फेज चार पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति आवृत्ति पचास चक्र प्रति सेकेंड है तो घुण विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्र की संख्या क्या है दस चक्र से प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया गया और भी आसन दिया गया सोलह चक्र प्रति सेकेंड या पांच चक्र प्रति सेकेंड या दो चक्र प्रति सेकेंड सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया है पहले तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है यहां पर आपका दिया गया है स्लिप मतलब कि यहाँ पर आपको एस का मान दे दिया गया कितना चार प्रतिशत दिया गया है और यहां पर आपको पी का मान दे दिया गया है चार पोल और यहां पर फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है पचास चक्र प्रति सेकेंड दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर हमको क्या करना है फ्रिक्वेंसी हमारी नहीं दी गई है तो हम पचास मान लेते हैं जैसे कि सभी को मालूम है कि फ्रिक्वेंसी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पचास परसेंट पचास होती है तो हमारा जो सूत्र होता है क्या कहता है सूत्र हमारा सूत्र कहता है एफ़ आर बराबर एस एफ तो हम क्या करेंगे एस और एफ़ का मान हमको मालूम है तो हमको क्या करना है यहाँ पर हमारा कितना मान दिया गया है चार प्रतिशत तो इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जीरो दशमलव जीरो चार गुड़े पचास जो हमारा आ जाएगा दो हटाज तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो चक्र प्रति सेकेंड क्लियर है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बानवे पे दिया है क्वेश्चन के थ्री फेज फेनडी मोटर चार पोल के लिए लेपित है और पचास हटाज अंत में सप्लाई की जाती है तब सम्पर्ण अर्थात स्लिप चार प्रतिशत है तो घुणा चाल खाली स्थान आर होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है अर्थात इसको हम लगा सकते हैं कैसे उसी सूत्र पे दोस्तों जो हमने आपको सूत्र बताया एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपन एन तो इस सूत्र को लगाकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है इस पर आपको देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं चलिए वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको कमेंट में देना है इस ईश्वर चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर अब तिरानवे दिया है क्वेश्चन कि ऐसी मोटर में टार की गणना कैसे होती है रोटर का विद्युत वाहक बल वोल्टेज में आई आर बराबर रोटर करंट एम्पियर्स तथा कास्व पावर फैक्टर यहां पर सूत्र आपको बताना है कौन सा सूत्र इसमें लागू होता है तो दोस्तों यदि आपको टार्क दिया है रोटर का ई दिया गया और रोटर का धारा दे दिया गया और कास्ट फाइव पावर फैक्टर भी दे दिया गया तो हमारा सूत्र क्या बनता है टी बराबर T बराबर हमारा सूत्र बनता है E R I R cos phi ये हमारा सूत्र बनता है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कौन सा मैच करा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच करा है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौरानबे पे दिया है क्वेश्चन के थ्री फेज मोटर का प्रारंभिक टार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर या वायु अंतराल कम करके या स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर या डी ऑप्शन दिया गया स्टेटर वाइंडिंग द्वारा बढ़ाकर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों थ्री फेज मोटर का प्रारंभिक टार्क मोटर प्रतिरोध बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं जो कि यहां पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंचानवे पे दिया है क्वेश्चन कि थ्री फेज प्रणी मोटर द्वारा विकसित टार्क किसके बराबर है भवर धारा छः या रोटर में स्थातरित वायु अंतराल पावर या सी ऑप्शन दिया गया है कुल विकसित यांत्रिक पावर या डी ऑप्शन दिया गया स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम्र क्षति के अंतर सभी लोग इसका बताइए कौन सा ऑप्शन आप आपको सही लग रहा है सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों देखिए थ्री फेज प्रिम मोटर द्वारा विकसित डार्क स्टार्टर जो होता है आउटपुट और रोटर टाउन क्षति के अंतर के बराबर होता है अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि टी डी बराबर टी प्रोपोर्शनल टू पी एम अपान उमेगा एस होता है जो कि यहाँ पर जो आपका पी एम होता है विकसित मैकेनिक पावर होता है और डब्ल्यू एस क्या होता है तुल्यकालिक गति होती है और पी क्या होता है तो ये रोटर इनपुट अर्थात तो लॉसेस होता है और रोटर इनपुट बराबर क्या होता है स्टेटर आउटपुट प्लस रोटर कॉपर लॉसेस होता है इसका सूत्र रोटर इनपुट बराबर होता है तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जो हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छियानवे पे दिया है क्वेश्चन की थ्री पेज की प्रेरण मोटर के घूमने घूमते हुए चुंबकीय फ्लक्स की गति किसके निरूपित हुई पी एफ अपान यहाँ पर साठ देख सकते हैं और एक p बीस अपान एफ या 120 सौ बीस एफ अपान पी या एफ अपान एक अब तो दोस्तों इसको ही सकते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मैंने आपको सूत्र बता दिया क्या सूत्र होता है इसका एन एस बराबर होता है 120 सौ बीस गुणे एफ अपान पी होता है जो कि सभी को मालूम है कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्लियर है मैंने आपको बता दिया और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो इसमें आपको एक सौ बीस एफ अपान पी में आपका जो एफ क्या है और पी क्या है और एन एस क्या है तो आप बता सकते हैं कि जो एन एस है तो गति चक्कर की प्रति यू मिनट है और यहाँ पर एफ क्या है आवृत्ति है और ये आपकी पी क्या है पोलो की संख्या है ठीक है तो आप बता सकते हैं इसको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्लियर है चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर संतानवे पे दिया है क्वेश्चन कि एक तीन फेज चार तथा प्रणाली के एक फेज लैप लोड को इस फीड कर रहा है तीन फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलने के लिए क्या होगा ऑप्शन आपके सामने न्यूट्रल बोर्सा घट जाएगी बी आसन है न्यूट्रल धारा में कोई बदलाव नहीं होगा और सी आसन है पावर फैक्टर में सुधार होगा और डी आसन है सभी लाइन धाराएँ कम हो जाएगी सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा देखिए एक तीन फेज चार तथा प्रणाली के एक फेज लैप लोड क्या होता है को फीट को कर रहा है तो थ्री फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलने के पावर फैक्टर में सुधार होगा क्योंकि रीज़न इसका यही होता है कि कला बोढ़ता के काम होने से घूर्ण चुंबकन धारा का आयाम घट जाता है और शक्ति गुणा क्या होता है बढ़ जाता है इस कारण तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कि पावर फैक्टर में सुधार होगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंठानवे पे दिया है क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब रोटर प्रतिरोध बराबर स्टेटर प्रतिघात या बी ऑप्शन दिया गया रोटर प्रतिघात बराबर सॉरी कामा दिया गया है स्टेटर प्रतिघात से अधिक होता है और सी ऑप्शन दिया गया रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से कम होता है और डी ऑप्शन है रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो दोस्तों जैसे कि आ, इसका होता है आर टू बराबर एस एक्स टू जो रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात होता है जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिया गया क्लियर है चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर निन्यानवे पे दिया है क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर खाली स्थान के समान सिद्धांत पर काम करती है डी जनरेटर या डी मोटर या ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर सभी लोग इसका आंसर दीजिए बहुत हीजी क्वेश्चन है आप बता सकते हैं इसको कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में और जितने भी लोग दोस्तों लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा चलिए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ट्रांसफार्मर अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर का सिद्धांत त्रिकली ट्रांसफार्मर के समान होता है अंतर केवल इतना ही है कि ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडलन स्थिर रहती है और जबकि इंडक्शन मोटर में द्वितीय कुंडल रोटर अर्थात घूमती है और मोटर के किन्नी दो फेजों को आपस में बदलकर रोटर के घूमने की दिशा को भी बदला जा सकता है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारा जो सही होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है क्लियर है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सौ पर दिया क्वेश्चन के एक विद्युत रोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है तापन प्रभाव या रासायनिक प्रभाव या चुंबकन प्रभाव या विद्युत स्थैतिक प्रभाव सभी लोग बताइए तो ध्यान देखिएगा दोस्तों देखिए कोई भी मोटर हो ठीक है वह चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है ठीक है किस पर कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव अर्थात हम कह सकते हैं कि एक विद्युत तो मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, पर कार्य करती है तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इतना ही क्वेश्चन कवर किया था यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम